बथोचला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित श्री ललित कुंज में स्वामी हरिदासीय परंपरा के आचार्य स्वामी भगवान दास जू महाराज का अविभाव महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें व्रज के संत महंत मौजूद रहे। साथ ही स्वामी हरिदास के समक्ष उत्तम भोग का भोग लगाया गया। वहीं इस मौके पर आश्रम में नरनारायण सेवा, नेत्रहीन सेवा, साधु सेवा का आयोजन भी किया गया। आज श्री ललित कुंज आश्रम में श्री भगवान दास जी महाराज जी का प्राकट महोत्सव का समापन महोत्सव है। आज यहाँ पर पूज्य सदगुरुदेव भगवान के द्वारा स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी द्वारा आज स्वामी जी की समाज गायन और बधाई गायन हुआ। संतों को यहाँ आप देख रहे हैं, दीन दुखी गरीब असहाय लोगों को और यहाँ के वृंदावन अभ्या का संतों की यहाँ सेवा चल रही है। और हमें ये सिखाया जाता है जीव आत्मा की सच्ची सेवा ही परमात्मा की सेवा है। हमारे उच्च कोटि के महापुरुष ऐसे भगवान दास जी महाराज जी हुए हैं, उन्होंने जमुना महारानी के जल से यहाँ पकवान बनवा दिए, पूरी सब्जी बनवा दी। एक बार घी कम हो गया था, घी कम होने के कारण महाराज जी ने आदेश दिया जमुना जी से जल लेके आई और जमुना जी जल में ये प्रसाद बनवाया और उतना ही घी उस जमुना जी में प्रवाहित किया। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष स्वामी हरदास जी की परंपरा में ऐसे महापुरुष हुए हैं और उनका आज यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। श्री हरदास भगवान। अगली खबर मथुरा से है, जहां लंकेश भक्त मंडल ने त्रिकालदर्शी दशानन यमुना तलहटी स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर महाआरती की। वहीं लंकेश भक्त मंडल में पुतला दहन करने की प्रथा को तत्काल बंद करने की सरकार से मांग की गई, जिसके बाद मंडल द्वारा रामलीला मैदान में लंकेश का भव्य मंदिर बनवाने और उसकी तैयारियां की जा रही है। भगवान राम के आचार रावण की यहाँ मथुरा में यमुना तलहटी में पूजा की गई और यही मांग की गई है कि भगवान श्री राम ने अपना आचार्य माना था रावण को, लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व श्वेतवंद रामेश्वरम की पूजा अर्चना उनके द्वारा कराई गई थी, स्थापना कराई गई थी। ऐसे में भगवान श्री राम के आचार्य का अपमान अगर कोई समाज कर रहा है तो भगवान श्री राम का अपमान कर रहा है। हमारी एक ही मांग है कि भगवान श्री राम के आचार्य का अपमान इस समाज के लोगों को नहीं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां खीरी परिवहन विभाग नहीं मानता मुख्यमंत्री योगी के आदेश को। आपको बता दें कि यहां डग्गामा टूरिस्ट परमिट पर बसें भूसे की तरह 100 से ऊपर सवारियां भरकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं और देश के महानगरों का सफर कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी, इटौंजा और कानपुर में हुए हादसों के बाद भी लखीमपुर खीरी के जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आराम से बैठे हैं, क्योंकि जाने तो गरीबों की जाती हैं, वो आराम से अपने अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं। एक बड़ा सवाल, आखिर कब होगी कार्रवाई? तो बताते चले, इस समय प्रदेश में सड़क हादसे बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। लखीमपुर, इटौंजा और कानपुर में बड़ी सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जाने जा चुकी हैं। लखीमपुर का प्रशासन जो है वो गहरी नींद में सो रहा है और लखीमपुर में खुलेआम डग्गा मार बांध ओवरलोड सवारियां लेकर दौड़ रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस वक्त कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। KKD न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से सलमान खान। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देने के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बेजम ब्लॉक के तिलियनपुरवा ग्राम पंचायत के रसूलपुर निवासी जो मजदूरी का काम करते हैं, जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। ग्राम प्रधानों द्वारा पीड़ित को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार पीड़ित को कब तक प्रधानमंत्री आवास के तहत छत मुहैया कराएगी। टूटा फूटा मकान है ये सब और हम सोच रहे आवास मिल जाए, आवास नहीं मिल रहा और ग्राम समाज ये बता रहे हैं और दुनिया का इंतजाम ही बता रहे हैं जगह बनने वाली नहीं है। कौन बता रहे जगह बनने वाली नहीं? प्रधान से, जिस प्रधान से माल्या मौजूदा है उनसे भी कहा है। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम है अमेरिका प्रसाद। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? रहने वाले तिलियनपुरवा के, ग्राम पंचायत तिलियनपुरवा है, बेहजम ब्लॉक के। हाँ, बेहजम ब्लॉक। अच्छा अच्छा, तो आपका घर तो काफी दयनीय अवस्था में है ना? एक बहुत टूटा फूटा, ना शौचालय बन रहा ना कुछ बन रहा। शौचालय नहीं आपके पास? शौचालय तक नहीं दिया गया है? ये तो
सब कह रहे हैं बन जाएगा लेकिन कुछ नहीं बन रहा। कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं आप? यहाँ तो हमको हो गया लगभग 40-45 वर्ष हो गए। भारी वर्षा के कारण पूरा बहराइच आज डूबा हुआ है। वहीं लगातार हो रही बारिश को लेकर अब बहराइच में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें आज के दिन विजयदशमी को लेकर क्या तैयारियां हैं, तो आपको बता दें कि भारी बारिश के बीच रावण दहन की तैयारी में अब भी रामलीला कमेटी जुटी हुई है। तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, प्लास्टिक के ऊपर से तनवाया जा रहा है। लीला जैसे हर वर्ष मनाया जाता, रामलीला जैसे हर वर्ष मनाया जाता है उसी तरीके से मनाया जाएगा। लीला हमारे मंच पे होगा, मंच पे पूरी लीला होगा, रावण का दहन भी किया जाएगा, सारी व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों का मानना है कि रावण के दहन के समय भगवान इंद्र अपनी लीला बंद कर देंगे, उस समय पानी बंद हो जाएगा और रावण का दहन विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहाँ हम लोग अभी करेंगे। हमारी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है, रामलीला कमेटी पूरी व्यवस्था कर चुकी है अपनी। दहन है, भारी वर्षा भी हो रही है, क्या लगता है कैसे? रावण दहन नियत समय पे होगा, त्यौहार अपने नियत समय पे होते हैं और इस तरह की विपत्तियां आती रहती हैं। ये कमेटी की परीक्षा रहती है कि वो समय पे कार्यक्रम करा सकती है कि नहीं। कार्यक्रम हर हालत में आज रावण दहन का होगा। असत पर सत्य की जीत, आज विजयदशमी का पर्व है और पूरे भारत में ये पर्व मनाया जाता है। हर साल आज के दिन रावण का वध किया जाता है। बहराइच के शहर के रामलीला मैदान में आज मैं मौजूद हूं, जहां पर भारी वर्षा हो रही है। यूपी के कई जनपदों में भारी वर्षा है और साथ ही बहराइच भी ऑरेंज के अलर्ट जोन पर है। आज देखना है कि यहां पर सामने देख सकते हैं, यहां पर रावण का वध किया जाता है और सामने से राम तीर मारते हैं और सामने रावण पर और उसका वध किया जाता है। लेकिन भारी वर्षा के कारण यहां भी एक व्यक्ति भी नहीं मौजूद है, सिर्फ कमेटी के लोग मौजूद हैं। कमेटी के उपाध्यक्ष से भी हमने बात करी, उन्होंने बताया कि कुछ भी हो और तय सीमा के अनुसार आज रावण का वध यही होगा, तय सीमा के तय समय पर होगा। कुछ भी हो, भारी वर्षा हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका वध आज रावण का इसी ठीक समय पर यहीं पर किया जाएगा। बहराइच से केकेटी न्यूज़ के लिए अजमल शाह। शक्ति की देवी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ महिलाओं ने अगले साल फिर आने का न्योता देकर विदा किया। 9 दिनों चली आराधना के पश्चात ग्राम सुंगराहा सहित क्षेत्र भर के विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस क्रम में बुंदेला दुर्गा उत्सव समिति द्वारा स्थापित माँ दुर्गा प्रतिमा अपनी पुरानी परंपराओं के साथ ढोल नगाड़े के साथ नम आंखों से विदाई दी गई। खबर प्रयागराज के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां बाबूगंज बाजार में घर के बरामदे में खड़ी बाइक चोरी हो गई। वहीं पीड़ित में इफको चौकी में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मैं सोनू, क्या हुआ आप चौकी पे आए हैं? आए थे, मेरा बाइक चोरी हो गया था और एक मेले में आए थे बाबूगंज के। कौन सी गाड़ी थी? पैशन प्रो। किस कलर की? ब्लैक। गाड़ी नंबर याद है? जी, UP 70DL 1378। अच्छा, तो कहाँ मेले में आए थे? बाबूगंज। जी जी। तो अच्छा, तो अभी यहाँ कहाँ आए हैं, चौकी पे? जी, यहाँ चौकी पर आए हैं रिपोर्ट एप्लीकेशन देने। अच्छा, क्या नाम है? सोनू नाम है। कौन से गांव निवासी हैं? रामगढ़ कोठारी। थाना? थाना बहरिया। अच्छा, गाड़ी चोरी हुई फूलपुर थाना अंतर्गत? जी, फूलपुर थाना अंतर्गत बाबूगंज। कब चोरी हुई? कल 4 तारीख को। 4 तारीख को? कब? रात में, दिन में? रात में 11 बजे। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना पुआया पुलिस द्वारा गौ तस्करी करने वाले अभियुक्त पर कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बलरामपुर उतरौला के अंतर्गत थाना गैडास में नियुक्त महिला आरक्षी का शव पंखे से लटका हुआ मिला। इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की माने तो प्रेम प्रसंग और आपसी मतभेद का मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीती रात 1 बजे के बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना गैडास बुजुर्ग में नियुक्त महिला आरक्षी, जो कि 2018 बैच की है, कोकिला यादव ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट द्वारा जांच की, पाया कि एक सुसाइड नोट मौके से मिला। इस सुसाइड नोट में के अनुसार यह अंकित था कि उसकी शादी नवंबर 2021 में विजय कुमार यादव, जो कि आरक्षी के पद पर थाना हथरौलिया
जनपद आजमगढ़ में नियुक्त हैं के साथ हुई थी और उनका प्रेम प्रसंग किसी अन्य लड़की से चल रहा था। इस कारण दोनों पति पत्नी में विवाद भी हुआ। उस बुधवार को यह आरक्षी थाना कैलाश बुजुर्ग भी आया था। बात न बन पाने पर मुझे लगता है कि उसने आत्महत्या की है। इस प्रकरण में धारा 306 IPC का अभियोग विरुद्ध विजय कुमार उपभोक्त के किया गया है। और लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए केकेडे न्यूज़। फील द पावर ऑफ एंजल। मैको लुब्रिकेंट रेडी टू ड्राई। वेलकम टू द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। दिल्ली, मुंबई और इन्हीं दूसरी मेट्रो सिटीज की तरह आज जो शहर डेवलपमेंट की ओर बहुत ही तेजी से लगातार आगे बढ़ रहा है, वो शहर है अपना शाने अवध लखनऊ। और लखनऊ की खासियत भी है कि ये सारे शहरों से हटकर बरसों से अपनी एक अलग पहचान रखता है और जाना जाता है अपनी एक अलग लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के लिए। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जो जगह सबसे ज्यादा रहने लायक सुकून देती है और हेल्दी एटमॉस्फेयर भी, वो जगह है लखनऊ की, जहां हर कोई ख्वाहिश रखता है एक छोटा सा आशियां बसाने की। आपकी इसी ख्वाहिश और लाइफस्टाइल का ख्याल रखते हुए विकास विहार डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं लखनऊ का सबसे आकर्षक प्रोजेक्ट।